हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी। ये वही चाट है जो अक्सर हम शादियों में जाते हैं ना, वहाँ हमें खाने को मिलती है और हम इसे बहुत ही टेस्ट लेकर खाते हैं। तो सोचा क्यों ना आज इसे घर में ही बनाया जाए। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म करें। अब इसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून घी। घी जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 15 से 20 बादाम, काजू और पिस्ता। हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक इनको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, जब तक कि ये अंदर से क्रंची और ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि काजू और बादाम का कलर हमारा चेंज होने लगा है और ये क्रंची भी दिखने लगे हैं। अब इस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश को हमें 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं और ये बहुत जल्दी फूलने लगती हैं। जब ये किशमिश फूलने लगे हमें बस इतना ही इन्हें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप देखिए कि सभी ड्राई फ्रूट हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक अलग बाउल में रख लीजिए। अब सेम कढ़ाई में आप ऐड करें थोड़े से मखाने। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से क्रंची हो जाएं और बिल्कुल भी सॉफ्ट ना रहें। 3 से 4 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। देखिए कि इनका कलर भी चेंज हो चुका है और इन्हें भी हम निकाल कर उसी सेम बाउल में निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से पनीर के पीसेस, जिन्हें मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इन्हें भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से सिक कर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए कि पनीर का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इन पनीर के पीसेस को भी अच्छी तरह से निकाल लेते हैं और इन्हें भी सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ कुछ कटे हुए पीसेस ब्रोकली के। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई बीन्स, मशरूम, बेबी कॉर्न्स और फ्रोजन कॉर्न्स। अब इन सभी चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक के लिए अच्छे से रोस्ट करना है। हमें इन्हें सॉफ्ट बिल्कुल ही नहीं करना है, हमें इन्हें क्रंची ही रखना है। तो बस 1 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कीजिए और इन्हें भी सेम बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड कर लेते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और आधे नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं और ये इन कुछ मसालों के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए, है ना बनाने में बहुत ही ईजी। हेल्दी तो ये है ही, साथ ही इसका टेस्ट तो लाजवाब होता है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आई एम श्योर आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो इसके फैन हो जाएंगे। तो आज ही इस बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी और चटपटी रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में नए स्वाद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।